वहीं पटना से खबर है जहां बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। आपको बता दें, शीतकालीन सत्र के पहले दिन हंगामा भी हुआ, बीजेपी के कई विधायकों ने प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें कि विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया है, रोजगार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा है। तो आपको बता दें कि पटना में शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और ये सत्र हंगामेदार रहा। आपको बता दें कि सत्र शुरू होने के बाद ही हंगामा शुरू हो गया है। आज पहला दिन है और पहले ही दिन हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। बीजेपी के कई विधायकों ने प्रदर्शन भी इस दौरान किया है और इसके साथ विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन भी किया। वो तस्वीर आप देखिए, रोजगार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा है। रोजगार किस तरीके से बढ़ रही है इसके बारे में भी वो उन्होंने बताया और साथ ही साथ महंगाई जैसे मुद्दे पर भी नीतीश सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी और जेडीयू दोनों की सरकार हुआ करती थी, लेकिन अब क्योंकि जेडीयू अलग हो गई बीजेपी से, उसके बाद महागठबंधन की सरकार इस बार विराजमान है बिहार में। और ऐसे में शीतकालीन सत्र ये इस मायने में भी बेहद अहम हो जाता है। आज पहला दिन और आज पहले दिन हंगामा यहां पर देखने को मिला है। हमारा मुद्दा नहीं, ये उनका मुद्दा है, लेकिन हमारा मुद्दा है जो आम लोगों के प्रति जो सरकार का की प्रतिबद्धता होती है। हम सबों ने भी सरकार लंबे वक्त तक चलाया है, केंद्र में सरकार चला रहे हैं, लेकिन राज्य के लोगों के साथ जो किसी भी चुनी हुई सरकार की जो प्रतिबद्धता होती है ये दिखनी चाहिए थी, वो नहीं दिख रही है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मंच से नीतीश कुमार ने ये भी तो कह दिया, 24 तक पता चल जाएगा। हफ्ते पहले एक गैंगवार हुआ था और कल से प्रतिहार नरसंहार करके ट्विटर पे ट्रेंड कराया जा रहा है, क्या कहें? नहीं, निश्चित रूप से मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि बिहार आज सरकार के हाथ में नहीं है, अपराधियों के हाथ में है और ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार में हुई है। नोट विलुप्त हो गया है, उसको ब्लैकियरों ने और जमाखोरों ने, काला बाजारियों ने उसको जमा कर दिया है, इसलिए उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि छोटा सत्र जानबूझ के सरकार ने रख दिया। सरकार फेस नहीं कर सकती है और शिक्षा महत्वपूर्ण विभाग इस सत्र में नहीं है, आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। की तरफ से जो अगुवाई हुई है बिहार में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और इसकी शुरुआत उन्होंने बिहार से की है। बिहार से जो शुरुआत हुई है वो देश भर में एका होगी अलायंस पार्टनर्स की। जहाँ तक अलायंस पार्टनर्स के मिल बैठ करके बात करने की बात है, वो दिल्ली में मिल के लोग करेंगे, अभी वहाँ पार्लियामेंट भी चल रहा है। तो कबल अज वक्त मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह सकता, लेकिन उनकी जो अगुवाई है, नीतीश जी की अगुवाई में जो काम हो रहा है, जो गठबंधन बना है, वो देश भर में फैले, देश भर में एक एका हो। मटेरियल है क्या नीतीश कुमार? उनका उनका तजुर्बा, 4 बार के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, बेदाग चेहरा है, तो वो उस तजुर्बे से कहाँ इनकार हो सकता है। लेकिन यह बात कबल अज वक्त है, बहसियत कांग्रेस पार्टी एक महत्वपूर्ण अंग है इस पूरे अलायंस का। माननीय विधायक चौरसिया जी ने जो आरोप लगाया है वो निराधार है और उनके पिताजी महामहिम राज्यपाल हैं और संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने गलत ढंग से आदेश को पारित कराया था। जिस आदेश को शिक्षा विभाग में हमने आवेदन दिया और पुनर्विचार करने के लिए, तो आदेश उनका रद्द हो गया। वो छटपटी में है। 2008 में 48 लाख रुपया अवैध निकासी के आरोपी गंगा प्रसाद जी को आज प्रतिनिधि सभा ने उनको हटा दिया और भाई वीरेंद्र को आज प्रतिनिधि सभा का प्रधान नियुक्त किया गया। ये अवैध तरीके से पैसा निकालना और अवैध बहाली करना, पैसा कमाना, जमीन कब्जा करना, इनका नियति रहा है।